नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव स्ट्रीम को। इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हैं। सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप लोगों ने मुद्दा तय कर लिया है, राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर ही आप जल्द बीजेपी से अलग हो जाएंगे। एक बात बताइए, मुझे ये नहीं समझ में आता है, आज हमारा विपक्ष मुर्दा हो चुका है। इस मुर्दानगी विपक्ष कौए की तरह काऊ काऊ कर रहा है, उसको क्यों इतना आप लोग वैल्यू देते हैं? हम क्या करेंगे, हम अलग हो जाएंगे, हम साथ रहेंगे, हम दौड़ेंगे, हम घिसटेंगे, उससे क्या मतलब है? रघुवंश प्रसाद ने तो ऑफर तक दे दिया है कि आ जाइए साथ। कौन है लोग? अपनी नाव का ठिकाना नहीं है, अपनी नाव खुद डूब रही है, दूसरे के सहारे की ज़रूरत है और हमें ऑफर दे रहे हैं। यही लोग थे ना वो, आज से 10 दिन पहले तक साइन बोर्ड लेके खड़े होते थे, नो एंट्री, कहाँ गए? अब तो डूब रहे हैं, बाप बाप कर रहे हैं तो चचा की याद आ रही है। अब तो साथ बात कर, लेकिन इफ्तार पार्टी तो हो गई ना सर? इफ्तार पार्टी क्यों नहीं होगी हमारी? हमारी इफ्तार पार्टी में क्या दिक्कत है? मांझी जी भी साथ थे। मांझी जी का इफ्तार पार्टी में संस्कार होता है, अगर इन्हें न्योता दिया गया वो आए, उसके बाद उन्होंने बुलाया, हम गए तो क्या हम साथ हो गए? राजनीतिक तौर से, राजनीतिक रूप से मांझी जी और हम कभी साथ में नहीं हैं। और क्या होगा नहीं होगा, हमने मुद्दे तय कर लिए, हमारा स्टैंड तो क्लियर है भाई। ये तीनों मुद्दा जो आप बोल रहे हैं, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, कॉमन सिविल कोड हो, ये सब मामला पार्लियामेंट में आएगा तब ना। मामला आ गया क्या पार्लियामेंट में? उनका कहना है कि उन्होंने पहले से ही तैयार कर रखा है। एकदम तैयार कर रखा है हमने तो, पहले ही से हमने खाना बना लिया कि 4 दिन के बाद हमको खाना नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं वो। जब मामला पार्लियामेंट में आएगा तब देखेंगे, पहले मामला पार्लियामेंट आए। लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जब सामने आए थे तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, उसमें प्रचंड बहुमत लाएंगे। बिल्कुल प्रचंड तरीके से हारेंगे। पिताजी हारे थे जब तो 22 सीटें आई थी, इस बार हम तय करेंगे कि इनको 15 से ज़्यादा नहीं आए किसी हालत में। अच्छा, राघोपुर और महुआ को लेकर क्या है? तेज प्रताप होते इसके अलग खुद लड़ेंगे? बिल्कुल हारेंगे, कोई शक नहीं है कि हारेंगे, क्योंकि कम अकल वाला नेता अब जनता को नहीं चाहिए। जो नेता अपनी विश्वसनीयता खो सके, खो जाए, वैसे लोग को लोग अब नेता नहीं मानने को तैयार हैं, एक से एक नेता लोग हैं। अच्छा, हार हो गई, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आरजेडी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव ही उनके नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। सारी आरजेडी कह रही है, जरा पूछ लीजिए तो, तेजस्वी के चमचे ही सिर्फ उनको नेता बना रहे हैं। आरजेडी में तो विद्रोह का बिगुल बज चुका, आरजेडी के लोग ही अब उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। जरा तेज प्रताप से पूछ लीजिए, तेजस्वी क्या उनके नेता हैं? घर ही में पूछ लीजिए, लोग घर में तो नेता ही नहीं मान रहे हैं। आप बात कर रहे हैं पार्टी की, खंडित होने जा रही है पार्टी। क्या लग रहा है 2020 में जनादेश किससे फिर मिलने जा रहा है? आप लोग साथ रहिएगा, बड़ी सवाल तो यह है, आप और बीजेपी साथ रहेंगे? एनडीए बिल्कुल एकजुट है और एकजुट रहेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा। 225 से ऊपर सीटों पर हमारा कब्जा होगा, ये मैं आज आपको घोषणा कर रहा हूँ। तो फिर विपक्ष लगातार इस बात की दावे क्यों कर रहा है कि आप ही टूट रहे हैं? विपक्ष कहाँ है? पहले विपक्ष खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए विपक्ष को, उसके बाद हमसे ये सवाल करिएगा। पहले आपको, आपका काम है ये, पहले विपक्ष को ढूंढिए, विपक्ष है कहाँ? और जो ऑफर मिल रहा है उस पर क्या जवाब देंगे? किससे ऑफर लें? रघुवंश प्रसाद हैं जितने सीनियर लीडर। कौन है रघुवंश बाबू? कौन है? क्या हैसियत है आरजेडी में? अगर अपना सम्मान बचाना है तो रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तियों को तुरंत आरजेडी छोड़ के जेडीयू और बीजेपी, जिसको भी इनको इच्छा हो, ज्वाइन कर लिया, सम्मान बचा रहेगा। देखिए, अगर सम्मान बचाना है तो अजय आलोक ने तरीका बता दिया है आने वाले समय में, क्या यह तरीका रघुवंश प्रसाद अपनाएंगे? या आरजेडी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो खफा चल रहे हैं, ऐसा कहना है अजय आलोक का, क्या वो भी जदयू का दामन थामेंगे? आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।